सनातन धर्म की शुभ तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। इस तिथि को दीपावली पर्व के समान मनाया जाता है, यानी कि इस तिथि में माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन विधि विधान के साथ करने से व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। घर परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती। व्यापार स्थल पर आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार देखने को मिलता है। आज हम आपको ऐसा ही एक सिद्ध प्रयोग बता रहे हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर इसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, व्यापार में आ रही धन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे करें मां महालक्ष्मी का पूजन और कौन सी दो वस्तुएं पूजन के बाद घर या व्यापार स्थान की तिजोरी में रखें। अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति का सिद्ध प्रयोग। प्रदोष काल में करें मां लक्ष्मी का पूजन। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, चौकी पर मां लक्ष्मी के श्री विग्रह की स्थापना करें, चौकी पर 8 गोमती चक्र स्थापित करें, गोमती चक्र का पंचामृत से अभिषेक करें, मां लक्ष्मी का पूजन करें। 8 साबुत चावल लेकर उन पर रोली या हल्दी लगाएं, एक एक चावल लेकर गोमती चक्र पर अर्पित करें। गोमती चक्र में मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान करें। पूजा के बाद महालक्ष्मी की आरती करें, श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, मां लक्ष्मी के सिद्ध मंत्रों का जप करें। पूजा के बाद लाल वस्त्र में चावल सहित गोमती चक्र बांध लें, पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। इस विधि से पूजन करने के बाद तिजोरी में चावल सहित गोमती चक्र की पोटली रखने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। हर दिन इस पोटली में मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए धूप बत्ती करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं रहती, धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान सहज रूप में हो जाता है। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की आराधना करने से साधक को विशेष कृपा मिलती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।